हिसार के बालसमंद रोड पर बच्चों के लिए नमकीन बनाने वाली एक फैक्ट्री पर आज पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने वहां से तैयार माल व नमकीन के रैपर अपने कब्जे में लिए। बताया जा रहा है कि इस मामले में दो आरोपियों को हिरासत में भी लिया गया है। बता दें कि पुलिस ने ये कार्यवाही स्पीड नेटवर्क चंडीगढ़ के निदेशक की शिकायत के आधार पर की है। एक्चुअली इन्फॉर्मेशन थी कि हिसार में एक सारा प्रोडक्ट्स के नाम से कुछ जो खाने पीने के पदार्थ होते हैं उसका जो मालिक है दीपक मनोचा अपनी फैक्ट्री में जो रजिस्टर्ड नहीं है कहीं और का एड्रेस है कहीं और बना रहा था वहाँ पे जो हमारे रजिस्टर्ड ब्रांड है उसमें अलादीन वगैरह के नाम से डुप्लीकेट जो है ये बना के अपने वह सप्लाई का काम करता था जिसके समझे हमारे एसपी साहब से हमने लिख पा की थी। आज लोकल फूड्स को साथ लेकर रेड किया काफ़ी बड़े लेवल पे वहाँ पे जो है नमकीन वगैरह जो है अलादीन के नाम से मिलता था वो ब्रांड हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि जो इसके ऊपर एड्रेस प्रिंट किया हुआ है वो एड्रेस नहीं है जो वो फेक है कहीं और का एड्रेस है कहीं और बन रहा है। टोटल जो मामला है फर्जी बढ़ रहा है इनके बीच हमने जो है फरियाद जो है माने एस एस ओ साहब को दे दी है इसके ऊपर बिल्डिंग तारा के तहत जो है कार्रवाई जो है पुलिस द्वारा की जा रही है। तो सर हिसार में किस स्थान पर जो है रेड मारी गई थी? सर ये बालसुंदर रोड है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिंग रूट लगा हुआ था जो पता चला है सर ये वहाँ हमने रेड किया। तो कितने तक का जो है आपको बाल माल जो है यहाँ पर बरामद हुआ है? एक काफ़ी बड़ी क्वान्टिटी में माल हुआ है और काफ़ी रैपर वगैरह भी काफ़ी है और भी देखा जा रहा है कि इसकी सप्लाई कहाँ कहाँ जाती है वहाँ भी रेड करेंगे। तो सर अब आगामी कार्रवाई क्या कुछ चल रही है? सर इसके ऊपर जहाँ जहाँ इसका मटेरियल गया है वहाँ वहाँ जाके भी उस पार्टी के साथ लेके रेड करेंगे और इनके अगेंस्ट और माल इनके बेचने वाले के अगेंस्ट भी कार्रवाई की जाएगी। तो सर इनके अब गिरफ्तारी भी हो चुकी है? सर किसके तहत मुकदमा दर्ज है? सर इनके जो ऑनर है दीपक मनोचा और इनके साथ में एक मैनेजर है इन दो लोगों के खिलाफ हमने एक रिव्यू लिया है दो लोग उसने मौके से गिरफ्तार किए। और किसके तहत मुकदमा दर्ज किया सर? सर इसके खिलाफ कॉपीराइट और ट्रेडमार्क और जो की है 272 खाने पीने की इजाजत नहीं और जो एड्रेस वगैरह फर्जी ढंग से लिखा हुआ है उसके जो फोटोटे की कार्रवाई की बात हम जो है वो थोड़े से और हमने आवेदन दे दिया है।